इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अनअकैडमी के हेलो टीचर्स पर। मैं आपका जीएस में ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ जनरल साइंस की क्लास लेकर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। सेशन को दोस्तों सभी बच्चे शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। दोस्तों जैसा आपको पता है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग किंगडम देख रहे हैं और उसमें कल हम लोगों ने एल्गी स्टार्ट करा था। आज हम लोग एल्गी को दोस्तों एल्गी देखेंगे, उसके बाद फिर फांगाई, फिर उसके आगे जो भी हमारा टॉपिक है उसे हम लोग कवर करेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों 25 सवाल देखेंगे। किससे रिलेटेड? तो एनिमल किंगडम से रिलेटेड, जो कि टोटल मैंने बोला था कि 50 सवाल करेंगे हम लोग एनिमल किंगडम में। 25 सवाल ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं और बाकी के 25 सवालों को आज करने वाले हैं। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें जल्दी से। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप हम अन अकेडमी के ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी क्लासेस होती है अन अकेडमी के ऐप पर उसका आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना, और आप उसका लाभ ले सकेंगे। तो इसलिए आप लोग दोस्तों जुड़ना भूलेंगे नहीं, कहाँ पर? अन अकेडमी के ऐप पर, ठीक है, जाकर फॉलो कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे आप हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, डिफरेंट एग्जाम के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलता है और इन सभी का आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको अपना गोल टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर आपने गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, इन दीज ऑप्शन यू कैन ऑप्ट 12 और 24 मंथ एंड यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके बाद दोस्तों आप प्रोसीड टू पेपर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और दोस्तों याद रखेंगे अगर आप 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसी अमाउंट को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में मंथली भी पे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। चलिए गुड इवनिंग शुभम जी, संदेश गांगुली जी, प्रदीप जी, आरती जी, आर्यन जी, वत्सला जी, अंकित जी, क्षितिज जी, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, है ना, ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें। इंदु पुनिया जी गुड इवनिंग, पता नहीं बच्चे सारे कहाँ हैं। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे जुड़ते रहेंगे। याद रखिएगा सीटेट का बैच दोस्तों स्टार्ट हो चुका है 2021 का 18 अप्रैल से। इसमें आप इनरोल करा सकते हैं, इनरोल कराने के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर इस पे आप इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग एल्गी देख रहे थे, शैवाल, तो हम लोग पहले शैवाल को कंप्लीट करेंगे। तो जब बात करते हैं दोस्तों एल्गी की, तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, याद रखिए एल्गी दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। प्रजनन इसके अंदर जो होता है एक तरीका तो होता है, कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, काइक, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं काइक प्रवर्धन, है ना, क्या कहते हैं इसे, काइक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों, या फिर इसे ही दोस्तों यहां पर जो होता है ना विधि काई प्रवर्धन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, 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 या जिसे क्या कहा जाता है, विखंडन, ठीक है। दूसरा दोस्तों याद रखिएगा, इसी में ये असेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन है, यानी कि ये कैसा जनन है, ये एक अलैंगिक जनन है, इस चीज को भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किसके द्वारा करता है दोस्तों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और फ्रेगमेंटेशन इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा एल्गी के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ने हैबिटेट ऑफ एल्गी की, कौन सा एल्गी कहां पर रहता है, ठीक है, हैबिटेट ऑफ एल्गी, यहां से आपका सवाल पूछा जाता है। हैबिटेट ऑफ एल्गी का मतलब याद रखिएगा शैवाल का निवास स्थान, शैवाल का निवास स्थान, सबसे पहला पॉइंट याद रखें।
अब कुछ एल्गी हैं दोस्तों, वो कहाँ पर मिलते हैं? मैरीन वाटर में। मैरीन वाटर यानी किस में? समुद्री जल में। समुद्री जल में मिलने वाले एल्गी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला समुद्री जल में मिलने वाले एल्गी जो है, सबसे पहला है जेलिडियम, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों सैरागेसन। तीसरा याद रखिएगा दोस्तों लैमिनेरिया। लैमिनेरिया यहां से आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एल्गी कहां पर पाया जाता है। और चौथा याद रखिएगा ग्रेसिटेरिया। ग्रेसिटेरिया यानी ये जो एल्गी है ना दोस्तों, ये जो ग्रेसिटेरिया है, याद रखिएगा इसे समुद्री घास भी कहते हैं, इसे समुद्री घास भी कहा जाता है, इसे समुद्री घास भी कहते हैं, इसे लिख लेंगे। यानी ये जो चार एल्गी है कौन कौन सा, जेलिडियम, सेरेकेसम, लैमिनेरिया और ग्रेसिटेरिया, ये एल्गी दोस्तों कहां पर मिलते हैं? ये आपके मैरिन वाटर में मिलते हैं, इस चीज को आप याद रखें। लैमिनेरिया के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आयोडीन पाया जाता है, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, ये आयोडीन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, ये आयोडीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, या इसमें आयोडीन पाया जाता है, इस चीज को आप याद रखें, ठीक। कई बार इसमें पूछा जाता है हमें किस एल्गी से हमें आयोडीन मिलता है, इस चीज को आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों किस एल्गी से हमें आयोडीन मिलता है, वो मिलता है लैमिनेरिया से, ठीक है। प्रदीप साहू जी, विखंडन में क्या होता है? कोई भी पार्ट अलग होकर एक नए मतलब लिविंग को जन्म देता है, ठीक है। हाँ, एल्गी, एल्गी के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एल्गी का निवास स्थान, शैवाल का निवास स्थान पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, लैमिनेरिया से बिल्कुल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयोडीन का प्रेजेंस होता है। उमा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्योति जी, शिव सागर जी बहुत बढ़िया। चलिए सेशन को आप लोग शेयर भी करिए, सभी लोग सेशन को लाइक भी करें, जितने बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर भी करते रहिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले उस पर, दूसरा जो आपकी तैरने वाले एल्गी, ठीक है ना, जो जल पर तैरने वाले या वाटर पर तैरने वाले एल्गी, ऐसे एल्गी जो पानी पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, तैरने वाले एल्गी कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों जल पर तैरने वाले एल्गी सबसे पहला याद रखिएगा डाइटम्स, डाइटम्स। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों वॉलवॉक्स, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा दोस्तों कारा, और चौथा याद रखिएगा दोस्तों क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है। ये जो एल्गी है ना दोस्तों, ये सभी एल्गी कैसे एल्गी हैं, जो कि पानी पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। और कुछ एल्गी जो पोंड और लेक में मिलते हैं, जो पोंड यानी कि तालाब और झील में मिलते हैं ना, पोंड एंड लेक में, तालाब और लेक में जो आपके देखते हैं एल्गी जो रहते हैं, वो दोस्तों कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा रेबोलेरिया, ठीक है ना। कौन सा होता है वो? रेबोलेरिया नामक जो एल्गी होता है, ये आपका पॉन्ड और लेक में मिलता है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद की हम लोग बात करें, तो याद रखिएगा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पेड़ पर, प्लांट पर कौन सा एल्गी मिलता है? प्लांट पर पाया जाने वाला एल्गी, प्लांट पर मिलने वाला एल्गी, प्लांट पर मिलने वाला एल्गी दोस्तों याद रखिएगा, ये जो एल्गी है ना, इसका नाम है उडोगोनियम। उडोगोनियम के बारे में याद रखेंगे कि दोस्तों जब भी वर्षा होती है, रेन होता है, देखते हैं जो प्लांट का जो स्टेम होता है वो क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है ना, फिसलन उस पे आ जाती है, स्लिपिंग, स्लिप होने लगता है जब भी वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण स्टेम में जो होता है ना, क्या होती है, पेड़ के जो तने होते हैं उस पर चढ़ना क्या होता है, मुश्किल, फिसलन हो जाती है उसमें। तो वो दोस्तों किसके कारण होता है? इसी उडोगोनियम नामक एल्गी के कारण होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपका दोस्तों पूछा जा सकता है, कछुआ के पीठ पे जो टर्टल होता है ना, टर्टल, टर्टल के पीठ पर कौन सा मिलता है? टर्टल के पीठ पर या कछुआ के पीठ पर कौन सा एल्गी पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा नामक जो एल्गी है, ये दोस्तों कछुआ के पीठ पर मिलता है, इस चीज को आपको याद रखना। एक दोस्तों एल्गी मिलता है स्नेल में, स्नेल में यानी घोंगा जो होता है ना, घोंगा,
गोगा में कौन सा एल्गी मिलता है, स्नेल में कौन सा एल्गी मिलता है दोस्तों, याद रखिए क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा नामक जो एल्गी है दोस्तों ये कहां पर मिलता है, ये आपका स्नेल में पाया जाता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट एल्गी हैं, महत्वपूर्ण शैवाल हैं जो कि अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आएंगे उमा शुक्ला जी, ठीक है उसके ऊपर भी आएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद अगला है ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी एक एल्गी मिलता है, ह्यूमन नहीं सॉरी जानवरों की आंत में, एनिमल इंटेस्टाइन में भी एक एल्गी मिलता है, जानवर की आंत में भी एक एल्गी मिलता है, तो याद रखिएगा जिसका नाम है ऑसिटेलोरिया, है ना ऑसिटेलोरिया। ये एल्गी दोस्तों कहां पर, एनिमल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इस चीज को याद रखना है, जानवर के आंत में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आइस आइस या बर्फ पर एक एल्गी मिलता है जिसका नाम है दोस्तों याद रखिएगा हेमिटोकोकिस नेवलिस, हेमिटोकोकिस नेवलिस। ये जो एल्गी है ना दोस्तों, इस एल्गी के कारण याद रखिएगा आइस का कलर कैसा होता है, आइस का कलर रेड होता है। ठीक है ना, इस एल्गी के कारण कैसा होता है, आइस का कलर रेड होता है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, यहां से भी आपके सवाल बन सकते हैं। सेशन को दोस्तों आप सभी बच्चे शेयर करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें। नमस्कार संजय जी, भावना जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक और किसी को कोई डाउट है, परेशानी है तो बताइए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है उषा जी, चलें आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एल्गी है, इसके बारे में याद रखिएगा, ट्राइकोडेस्मियस, एरिथ्रियम। ये एक एल्गी है, इसके बारे में याद रखना, रेड सी में पाया जाता है, यानी कि लाल सागर में पाया जाता है, और इसी शैवाल के प्रेजेंस के कारण याद रखिएगा, इसी एल्गी के प्रेजेंस के कारण रेड सी का कलर कैसा है, रेड है, याद रखिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेड सी का जो रेड कलर होता है वो किस एल्गी के कारण होता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेड सी में कौन सा एल्गी पाया जाता है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, अगला मुद्दा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसकी हम लोग बात करेंगे। यानी इसमें आप लोग लिख लेंगे शैवाल का महत्व, शैवाल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है दोस्तों, फर्स्ट एल्गी कॉन्ड्रस एल्गी। इसका यूज दोस्तों कहां पर होता है, याद रखिएगा इसका यूज चॉकलेट बनाने में होता है। इसका यूज कहां पर होता है, चॉकलेट बनाने में होता है। दूसरा दोस्तों याद रखिएगा फ्यूकस एंड लेमोनेरिया। याद रखिएगा इसका यूज एनिमल फूड के रूप में होता है। इसी तरह दोस्तों अगला एक एल्गी है, थर्ड एल्गी, जिसका नाम है नॉस्टॉक
इसके बारे में याद रखेंगे, इसका यूज चाइना में सलाद के रूप में होता है, सैलेड के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो, समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, रेडोमेरिया अगला है। रेडोमेरिया याद रखेंगे, इसका यूज स्कॉटलैंड में, इसका यूज स्कॉटलैंड में टोबैको यानी तंबाकू, टोबैको के रूप में होता है। अच्छा आप लोग ये बताएं साथ ही कि तंबाकू जो है दोस्तों, तंबाकू नेशनल टोबैको बोर्ड, ठीक है ना, राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड, इसका मुख्यालय कहां पर है आपको ये बताना है। राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है आपको ये बताना है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा सैरागेसम, सैरागेसम की जब बात करते हैं इसका दोस्तों यूज कहां पर होता है याद रखिएगा, इसका यूज आर्टिफिशियल उल बनाने में, आर्टिफिशियल उल यानी कि कृत्रिम उल बनाने में होता है, कृत्रिम उन बनाने में होता है, इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए सेशन को दोस्तों आप लोग लाइक भी करिए, सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर और लाइक करते रहें आप लोग। और यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, परेशानी है तो बताइए। सचिन जी ठीक है, बट नॉट मतलब बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है फिर भी। चलिए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, अगला है नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक और याद रखिएगा एनाबीना, ये दो एल्गी है, इसका यूज याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। इसका यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम का भी यूज होता है ना, आप लोग जानते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन का यूज कर दोस्तों नाइट्रोजन के कंपाउंड में उसे बदलना, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अगला याद रखिएगा क्लोरेला है, क्या है अगला, अगला है आपका क्लोरेला। क्लोरेला जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्लोरेला की, इसका यूज कहां पर होता है तो याद रखिएगा, इसका यूज क्लोरेलिया, क्लोरेलिया नामक एंटीबायोटिक बनाने में होता है, एंटीबायोटिक बनाने में होता है, इस चीज को याद रखना। अच्छा सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने तैयार किया था और उसका नाम क्या था बता सकते हैं आप लोग, सबसे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो किसने तैयार किया था और उसका क्या नाम था बता सकते हैं आप लोग। हाँ जी बहुत अच्छे, सौरभ शर्मा जी, श्वेता पांडे जी, कोई बात नहीं है, नहीं एल्गी है ये, ठीक है प्रदीप जी। हाँ एडवर्ड जैनर ने नहीं, एडवर्ड जैनर ने नहीं, याद रखिएगा सबसे पहला जो प्रतिजैविक तैयार किया था वो किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसका नाम क्या था दोस्तों पानिसलिन, है ना, क्या नाम था जिसका, पानिसलिन। और किससे तैयार किया गया था पानिसलिन, तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंगाई से तैयार किया गया था, वो पहला प्रतिजैविक था। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। विनय जी, नीतू जी, साबिया खनाम जी, सचिन जी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं हम लोग, अगला याद रखिएगा दोस्तों, अगला एल्गी के बारे में जेलिडियम
जेरिडियम के बारे में याद रखिएगा, इसका यूज अगर अगर तैयार करने में होता है, इसका यूज अगर 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 तैयार करने में होता है। कई बार पूछा जाता है कि अगर अगर किससे तैयार किया जाता है, ठीक है, अगर अगर किससे तैयार होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो जेलिडियम नामक एल्गी से होता है। और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अगर अगर का क्या यूज होता है, बता सकते हैं आप? व्हाट इज यूज ऑफ अगर अगर इन आवर लाइफ? अगर अगर का हमारे जीवन में क्या यूज होता है, बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आइसक्रीम वगैरह बनाने में होता है ना, वेरी गुड। सेशन को दोस्तों शेयर भी करा आप लोग, है ना, सेशन को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए आप लोग सेशन को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके आगे, जेलिडियम के बाद आता है दोस्तों उलुवा। उलुवा नामक जो एल्गी है, याद रखिएगा, इसे समुद्री सलाद कहते हैं, इसे समुद्री सलाद कहा जाता है, इसे समुद्री सलाद कहते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इसके बारे में याद रखना है, इसे वाटर सिल्क कहा जाता है, इसे वाटर सिल्क कहते हैं, इस चीज को आप याद रखना है, ठीक है। अच्छा आप लोग साथ ही साथ ये बताइए कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? हाँ जी, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है बताइए? रेयॉन को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, यहां तो किसी का कोई परेशानी हो, दुविधा हो, समस्या हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंजाई, फंजाई यानी कवक। यहां तक एल्गी में किसी को कोई परेशानी समस्या है तो बता दीजिए, फिर हम लोग फंजाई की बात करेंगे यानी कवक की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, जिलेटिन भी बनता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड श्वेता जी, माधुरी जी, हाँ बिल्कुल, साबिया खनाम जी आप बिल्कुल सही बता रही हैं, है ना। चलिए खैर हम लोग फानजाई की बात करते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फानजाई, इसकी खोज किसने करी, तो याद रखिएगा इसकी खोज आर एच वेटेकर ने की, इसकी खोज आर एच विटेकर ने की। दूसरी बात याद रखेंगे दोस्तों, ये नाम जो दिया, नेम इज गिवन पर, यानी फंजाई नाम जो दिया गया ना, वो किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा गस्पॉर्ड, गस्पॉर्ड बॉहिन, है ना, इन्होंने नाम दिया फंजाई, इस चीज को आप याद रखें। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी स्टडी क्या कहते हैं, स्टडी जो है इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फादर ऑफ माइकोलॉजी है ना दोस्तों, फादर
फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये भी आपसे कई बार पूछ दिया जा सकता है ना। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है पी ए माइकेली को, पी ए माइकेली, इन्हें दोस्तों कहा जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी, इस चीज को आपको याद रखें। जबकि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी या भारतीय कवक विज्ञान का पिता, ये किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी याद रखेंगे वो कहा जाता है मुंडकर एंड बटलर, मुंडकर एंड बटलर, नाम याद रखिएगा मुंडकर एंड बटलर, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इस चीज को भी आप याद रखें। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा है तो आप लोग बताएंगे। इसके अंदर दोस्तों याद रखिएगा जो फानजाई होते हैं, जब हम लोग फानजाई की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता, नो क्लोरोफिल। इसलिए दोस्तों ये क्या होते हैं, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं यानी परपोषी होते हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों यानी कि ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस यानी कि यहां पर कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इनमें दोस्तों कोई वस्कुलर सीटू टिश्यू नहीं होता, नो वस्कुलर टिश्यू, यानी कि इनके अंदर भी कोई जाइलम फ्लोएम टाइप का नहीं होता, नो वस्कुलर टिश्यू फाउंड, इसमें कोई जाइलम या फ्लोएम नहीं होता। लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है, इनका सेल वॉल किससे बना होता है, इनका सेल वॉल काइटिन किससे बनता है दोस्तों, काइटिन से बना होता है, याद रखेंगे। और इसके बाद याद रखना है ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये अपने फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, इस चीज को भी आपने याद रखना है। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो आप लोग बताएं, फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों इसके, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। और सेशन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी करते रहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा जो कई बार आपसे पूछा जाता है, फंगाई का बॉडी किस पदार्थ से बना होता है, याद रखिएगा फंजाई का जो बॉडी है ना, फंजाई का शरीर, फंजाई का बॉडी माइकेलियम नामक पदार्थ से बनता है, माइकेलियम नामक पदार्थ से बनता है, माइकेलियम नामक पदार्थ से बनता है। और ये माइकेलियम दोस्तों किससे बना होता है, याद रखिएगा ये माइकेलियम जो बना होता है ये किससे, हाइफी, हाइफी नामक पदार्थ से ये बना होता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो, दुविधा हो तो बता सकते हैं, और दुविधा परेशानी नहीं है तो सेशन को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप लोग लाइक भी करते रहिए, ठीक है। और कल की जो क्लास होगी ना दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग सवाल, मतलब एल्गी और फंजाई से रिलेटेड हम लोग सवाल भी करेंगे कल की क्लास में। आज तो हमारा एनिमल किंगडम का एमसीक्यू फिनिश हो जाएगा ना, तो कल हम लोग प्लांट किंगडम का एमसीक्यू को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो तो आप लोग बताइए। सेशन को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। बिल्कुल संगीता सिंह जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। हम लोग जब फंजाई के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई यानी कि फंजाई का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, ठीक है, इसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहला है, फर्स्ट फंजाई है दोस्तों, याद रखिएगा राइजोपस, ठीक है, पहला है याद रखिएगा राइ जोपुश एंड रोडोटुलेरा, रोडोटुलेरा, इस दोनों फंजाई के बारे में याद रखिएगा। इसका यूज कहां पर होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कहां पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, होता है। ये जो है दोस्तों राइजोपस के बारे में याद रखिएगा,
राइजोपस के बारे में, इसे पिंक मोल्ड भी कहते हैं, इसे पिंक मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इसी राइजोपस के बारे में ही याद रखिएगा दोस्तों, इसी के बारे में दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी आपसे सवाल बन सकता है। जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी ही थी, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगाई की जब बात करते हैं दोस्तों, पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो फंगाई है का यूज पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार करने में होता है, एंटीबायोटिक तैयार करने में होता है, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। और आपको यह भी पता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, और ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा आपका थर्ड एक एंजाइम होता है अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम जो होता है दोस्तों, ये फैट का डाइजेशन करता है, और अमाइलेज एंजाइम को बनाने में आर्टिफिशियली, ये तो नेचुरली दोस्तों कहां पर मिलता है आपको पता है, ये नेचुरली पाया जाता है पानक्रियाटिक जूस में, जो कि दोस्तों क्या करता है, फैट को नहीं बल्कि ग्लाइकोजन को पचाने में मदद करता है, फैट नहीं, फैट को पचाने में मदद करता है लाइपेज नामक एंजाइम। एमाइलेज जो है दोस्तों वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को पचाने में मदद करता है ये एंजाइम, ये पानक्रियाटिक जूस में मिलता है, और इसको बनाने में दोस्तों याद रखिएगा एस्परगिलस ओराइजी, एस्परगिलस ओराइजी नामक फंजाई का यूज होता है, ठीक, नामक फंजाई का यूज होता है, इस चीज को आप याद रखें, यहां से भी आपसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो, समस्या हो, दुविधा हो, तो आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे अगले मुद्दे की। सेशन को दोस्तों आप सभी बच्चे शेयर भी करें, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करें, जितने बच्चे देख रहे हैं। आशीष जी ठीक है, अच्छी किताब है, आप वहां पर प्रैक्टिस के लिए उस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप उस किताब को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी के लिए अब एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताब पढ़ी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगला याद रखिएगा, विटामिन B12 के निर्माण में, विटामिन B12 के निर्माण में जिसका दोस्तों केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन गैरेसिस, विटामिन B12 के निर्माण में स्ट्रेप्टोमाइसिन गैरेसिस नामक फांगाई का यूज होता है, का यूज होता है, इस चीज को भी आप याद रखें। यहां तक कोई परेशानी है तो आप लोग बताएं, ठीक है, और नहीं है तो चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखने वाले हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग चलेंगे अब सवालों के ऊपर, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चंस, तो सभी बच्चे क्वेश्चन पर मूव करने से पहले सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें, हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे अब 25 सवाल। और कल दोस्तों हम लोग फंजाई और एल्गी जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड सवाल देखने वाले हैं कल, आप लोग कल जितना एल्गी और फंगाई करा हमने उसे रिवाइज करके आइएगा सभी लोग, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है ना। ओके श्रुति मिश्रा जी कैसी हैं आप, हाउ यू, बहुत दिन के बाद नजर आ रही हैं क्लास में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एनिमल्स आर मोस्टली फाउंड इन मैरिन वाटर बट फ्यू आर इन फ्रेश वाटर, निम्नलिखित में से कौन से फाइलम के जानवर ज्यादातर समुद्री पानी में पाए जाते हैं लेकिन कुछ मीठे पानी में होते हैं, यह आपको बताना है।
आई एम गुड। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए इसका। आपको पता है कि इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज पॉरीफेरा। वेरी गुड, है ना? इसका जो सही उत्तर है दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो फाइलम है, इसके एनिमल ज़्यादातर किसमें? मैरिन वाटर में मिलते हैं और कुछ आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं। बाकायदा मैंने आपको पॉइंट भी दिखाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, विच एनिमल इज अम्ब्रेला सेफ्ड एंड फ्री स्विमिंग? कौन सा जानवर छाता के आकर पर मुक्त मतलब तैरने वाला होता है? ऑरेलिया, जेलीफिश, हाइड्रा या डी एंड बी? वेरी गुड श्रुति जी, विभूति जी, वात्सल जी, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग बात करते हैं इस सवाल की। तो दोस्तों यहाँ पर एनिमल जो अम्ब्रेला शेप का होता है और फ्री स्विमिंग होता है, दैट इज ऑरेलिया एंड जेलीफिश। यानी कि सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, आई एंड बी इज द राइट आंसर, है ना? दोनों ही इसके सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कोरल हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, यानी जो कोरल होता है उनका स्केलेटन, यानी जो उनका मतलब दोस्तों जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, CaCO3, CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड या फिर CaSiO2, क्या होगा इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे अर्जुन जी, साबिया जी, अंकित जी, श्रुति जी, बिल्कुल CaCO3 का बना होता है, याद रखिएगा। इसे ही हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। एंड एग, एग जिसमें कि एल्बुमिन नामक प्रोटीन होता है, इस एग का जो ऊपर व्हाइट कवर होता है ना, दैट इज ऑल्सो मेडअप ऑफ CaCO3। ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, ये लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये आपका एक कोरल द्वीप ही है, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ? ये बहुत आसान सवाल है, कई बार आप लोगों को ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, है ना? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है अर्थ का? मोलस्का, एम्फीबिया, आर्थ्रोपोडा या एब्स? नहीं, प्रदीप जी कौन सी बुक है? वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। वंदना जी बहुत अरियन, नमिता सिंह वेरी गुड। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इन, इसमें से किसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो अनुपस्थित होता है? सीपिया में, क्रैब में, स्टारफिश में या फिर अर्थवॉर्म में? उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और सेशन को सभी लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें आप लोग। ठीक है, बिल्कुल संगीता जी बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आएंगे बैक्टीरिया और वायरस पर जब चलेंगे ना, वहां पर पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे उसका भी, तो आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए हम लोग जब बात करते हैं इस सवाल की, तो इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों क्या? दैट इज स्टारफिश। स्टारफिश जो होता है इसमें कोई भी आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता। अर्थवॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, अर्थवॉर्म में क्या नहीं होती? आई नहीं होती। इसका जो उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड वर्मी कल्चर। और इसे दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना, अर्थवॉर्म सांस कहाँ से लेती है? ये तो सांस लेती है दोस्तों, ये स्किन त्वचा से सांस लेती है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले मुद्दे पर चला जाए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं, अगले सवाल पर। सी हॉर्स इज, सी हॉर्स क्या है? एक बर्ड है, एक मैमल है, एक एम्फीबियन है या फिर एक फिश है? क्या है आपको बताना है? हाँ जी, चलिए उत्तर दीजिएगा आप लोग इसका। सी हॉर्स पढ़ाई होगा आपने। सेशन को शेयर भी करिए, है ना? बहुत अच्छे श्रुति मिश्रा जी, वेरी गुड, पाठशाला जी, पूजा जी, अर्जुन जी, राघव जी, भावना जी,
सी हॉर्स क्या है? तो ये बर्ड है क्या? नहीं है ना, बर्ड के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसका जो वॉइस बॉक्स होता है दैट इज कॉल्ड सैरिंग्स कहते हैं उसे। सबसे लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच एंड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? तो याद रखिएगा दैट इज हमिंग बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड। वो पीछे की तरफ भी क्या कर सकता है? उड़ सकता है। एम्फीबियन है क्या? नहीं है। मैमल है क्या? नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का फिश है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी। एंड फिश की स्टडी को क्या कहते हैं? इक्थायोलॉजी। फिश का पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है इसमें? हॉर्स, सी हॉर्स, बैट या क्रेन, है ना? ठंडे खून वाले जानवर कौन है इसमें बताइए। हाँ, वो भी पढ़ेंगे संगीता जी, कल की क्लास होगी तो उसमें हम लोग ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए, बहुत अच्छे, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो यहां पर दोस्तों कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात की जा रही है, एंड यू नो फिश, नहीं नहीं पढ़ाया है संगीता जी, कल की क्लास में पढ़ेंगे। सेशन को सभी लोग शेयर करें, है ना? हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर फिश, फिश एक क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और यहाँ पर सी हॉर्स क्या है? सी हॉर्स एक फिश है, आप लोग जानते हैं। इसका मतलब, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सी जो है, सी इज द राइट आंसर, अब बी इज द राइट आंसर, सी हॉर्स इज द राइट आंसर, है ना? अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इज आर फाउंड इन एम्फीबियंस। यानी जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, उनमें किस प्रकार से श्वसन होता है? गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, या इन सभी के द्वारा होता है? उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड, अवंतिका जी, विभूति जी, असाबिय जी, अंकित जी, श्रुति जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है इसका क्या? डी, ऑल ऑफ द अबव। गिल्स से, जैसे फिश है गिल्स से लेते हैं, है ना? जैसे फ्रॉग है, ये आपका स्किन से भी लेते हैं, वो लंग से भी लेते हैं, है ना? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। द ब्लड ऑफ एव्स इज, यानी जो उड़ने वाले जीव हैं, उड़ने वाले जीव लाइक जितने भी एव्स होते हैं, उनका ब्लड कैसा होता है? वार्म होता है, कोल्ड होता है, वार्म एंड कोल्ड दोनों होता है, या फिर सेमी वार्म होता है? उत्तर दीजिएगा इसका। हाँ जी, अगला सवाल, ब्लड ऑफ एव्स इज, एव्स का ब्लड कैसा होता है, यह आपको बताना है। तो जितने भी जो बर्ड, सिंपली बर्ड की बात की जा रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वार्म होता है, ठीक है ना? और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? कि दे एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आवर एटमोसफेयर, यानी कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो एटमोसफेयर के टेम्परेचर के आसपास होता है, उसके बराबर, ठीक है ना? वो उसके आसपास अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड एव्स, ये दोस्तों सांस कहाँ से लेते हैं? ये सांस लेते हैं लंग्स से। और इनके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं दोस्तों? चार, चार चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में, इसे भी आप याद रखें, ठीक है? वेरी गुड, श्रुति जी बहुत अच्छे, शीतल साकिया जी, देवेंद्र जी बहुत अच्छे, समीक्षा जी, विनय जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, बुक लंग्स जो होते हैं वो किसके श्वसन अंग हैं? इंसेक्ट्स के, एरेक्निड्स के, मलस्कंस के, या फिर इकाइरोडॉन्स के? उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। अरे याद रखिएगा, जो बुक लंग्स है ना, दे आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एरेक्निड्स। किसके हैं? एरेक्निड्स के जो हैं, यहाँ पर
कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है, जैसे श्रुति जी ने एक सही उत्तर दिया है, बाकी सौरभ जी ने सही उत्तर दिया है, अंकित पैसाल जी ने सही उत्तर दिया है, हेमलता जी ने सही उत्तर दिया है। हाँ बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल स्कॉर्पियन है ना, सॉरी अरैकनिड का। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी, इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। मोलस्कन्स हैं यहाँ पर, और इकैनोडर्म्स जो होते हैं ना दोस्तों, इनके बॉडी पर क्या होती है, स्पाइंस होती है ना, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, सेशन को शेयर भी करिए, सेशन को आप लोग लाइक भी करें। प्रदीप सेंगर की थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी है, अभी थ्योरी किया तो उसके बाद हम लोग सवाल कर रहे हैं, और कल जो आपका सवाल होगा एल्गी और फंगाई से रिलेटेड सवाल होगा, तो आप लोग पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न, अगला सवाल, द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, कॉकरोच का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो क्या है, मेलफीजियन कार्पस, मेलपिगियन ट्यूबल्स, ग्रीन ग्लैंड, या फिर मेटेने फ्रीडिया, उत्तर दीजिएगा इसका। हाँ जी, हाँ अर्जुन जी, केमिस्ट्री भी जरूर स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिल्कुल सही उत्तर है सभी बच्चों का, बिल्कुल सही जवाब है, मैल्पीगियन किबुल्स इज द राइट आंसर, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। और कॉकरोच का जो हर्ट होता है, इसके हर्ट में कितने चैम्बर हर्ट होते हैं, इसके 13 चैम्बर हर्ट होते हैं, याद रखेंगे। बहुत अच्छे अर्जुन सोनी जी, माधुरी गुप्ता जी, राघव भारद्वाज जी, श्वेता पांडे जी, संगीता जी, अवंतिका जी, माही जी, रश्मि जी, सीवी जी, उमा जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला सवाल, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पायर्स ट्रू गिल, इसमें से कौन गिल्स से, गलफरे से श्वसन करता है, वेल, टर्टल, फ्रॉग या प्राउन्स। हाँ जी बताइए। हाँ कल भी प्लांट किंगडम ही चलेगा, कल हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एल्गी और फंजाई से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देता है। हाँ बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे यहाँ पर सही उत्तर दे रहा है, दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी बच्चों का सही उत्तर आ रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर वेल दे रहे हैं, भाई साहब वेल तो मैमल है ना, पता होना चाहिए ना आपको। यहाँ पर सही उत्तर इसका क्या है, दैट इज डी, प्राउन्स इज द राइट आंसर। अच्छा मेरा ये प्रश्न बताओ, टर्टल पर कौन सा एल्गी मिलता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, टर्टल में, टर्टल के पीठ पर कौन सा एल्गी मिलता है बताइए, अभी अभी पढ़ा है, देखते हैं किसे किसे याद है, टर्टल के पीठ पर कौन सा एल्गी मिलता है बताइए आपको। बहुत बढ़िया, किन किन बच्चों को याद है देखें, प्रदीप साहू जी बता रहे हैं, बाकी बच्चे भी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, दैट इज प्रोटोडर्मा है ना, प्रोटोडर्मा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अच्छा प्राउन्स ये किस में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं प्राउन्स, बता सकते हैं आप लोग, प्राउन्स किस फाइलम में आते हैं बताइए। हाँ जी बिल्कुल ठीक रहता है माही जी, क्यों नहीं ठीक रहेगा, है ना, आजकल तो महिलाएं जो फीमेल हैं हर जगह पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है ना, तो बिल्कुल ठीक रहता है। तो बिल्कुल किस में आता है, ऑर्थ्रोपोडा में आता है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज, आसान सवाल अगेन, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बताइए, इजी क्वेश्चन है। सभी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी इसका जवाब तो क्वेश्चन नंबर 38, वेरी गुड, श्रुति जी, ज्योति जी, साबिया जी, आरती जी, प्रीति जी, वेरी गुड, मोलिस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टार फिश इज,
स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? इकिनस, लेम्युलस, एकिडना या फिर एस्टेरियस? पढ़ाया था, लिखाया भी था ये चीज, है ना? तो सभी लोग इसका उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इससे क्या है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से क्या है ना, चीजें आपकी रिवाइज हो जाती है, आप कुछ चीजें याद हो जाती है, ठीक है ना? ये इसका एक बेनिफिट होता है। एंड जब हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एस्टेरियस इज द राइट आंसर। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, स्टार फिश का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्टेरियस। अगले मुद्दे पर चलते हैं हम लोग। अगला मुद्दा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक इज नॉन पॉइजनस, यानी कि इसमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है ना? नॉन सांप जहरीला नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, नॉन पॉइजनस है। कोबरा, करैत, वाइपर या फिर पाइथन अजगर? सेशन को आप लोग शेयर भी करिए, सेशन को आप लोग लाइक भी करें, और इसका सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज अजगर या पाइथन जो है ये दोस्तों जहरीला नहीं होता, ये व्यक्ति को या किसी को निगलता है सीधा, है ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, अगला प्रश्न, द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेटिक वर्टिब्रेट इज, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा जलीय कशेरुक कौन सा है? इसमें जलीय एक्वेटिक वर्टिब्रेट की बात की जा रही है। ब्लू व्हेल, व्हेल शार्क, सी हो, सी एलिफेंट या फिर ड्यूगोरेस? उत्तर दीजिएगा इसका, क्या सही उत्तर है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41। अंकिता जी, जैसे बायोलॉजी फिनिश होती है फिर हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, जब बात करता है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज व्हेल शार्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेटिक वर्टिब्रेट। तो सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू अवंतिका जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न, विच ऑफ द विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा, कोई बात नहीं है श्रुति जी। चलिए हम लोग बात करते हैं इस सवाल की, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। सॉरी। हम लोग जब बात करते हैं इस सवाल की, तो ह्यूमन यूरियोटेलिक है, बिल्कुल करेक्ट है। बर्ड्स यूरिकोटेलिक है, ये भी करेक्ट है। लेजर्ड यूरिकोटेलिक है, ये भी करेक्ट है। व्हेल जो है दोस्तों एमिनोटेलिक नहीं, व्हेल क्या है? मैमल है ना, तो ये भी क्या होगा? यूरियोटेलिक होगा, है ना? तो एमिनोटेलिक नहीं होगा यहाँ पर, ये जो है आपका इनकरेक्ट है। यानी सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? श्रुति जी आप ये बताइए, जो लिजार्ड है क्या है? रेप्टाइल्स है, एंड रेप्टाइल अपने बॉडी का बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है वो किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है? इट मीन्स यहाँ पर इसका यूरिकोटैलिक होगा लिजार्ड भी। और लिजार्ड का स्टडी क्या होता है बता सकते हैं आपको? लिजार्ड की स्टडी को क्या कहते हैं? हाँ, कोई बात नहीं है। चलिए बताइए, लिजार्ड की स्टडी क्या कहते हैं हम लोग? ऑफियोलॉजी नहीं, याद रखिएगा, सोरोलॉजी। क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड सोरोलॉजी, ठीक है? अच्छा, लिजर्ड के स्किन पे ऐसा क्या होता है कि वो अपने कलर को चेंज करते रहते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, ऐसा क्या होता है उनके स्किन पर, बता सकते हैं आप लोग? चलिए बताइए। देखिए ये सवाल पूछने का रीजन जो होता है ताकि आपकी चीजें रिवाइज हो, है ना? इसलिए मैं बीच बीच में सवाल आप लोगों से पूछता रहता हूँ। चीजों को आप जितनी बार सुनेंगे ना तो उतना आपको याद हो जाएगा। क्रोमेटोफोर, बहुत बढ़िया, क्रोमेटोफोर कहते हैं आपसे, ठीक है? बहुत बढ़िया, कहते हैं ना छिपकली के जैसे रंग मत बदलो, ठीक है ना? तो हमारे स्किन में भी अगर ये होता तो हम भी अपना रंग बदल सकते थे, बट वी डोंट हैव दिस सब्सटेंस इन आवर स्किन। हमारे स्किन में क्या है? मेलानिन है। मेलानिन के कारण जो हमारा स्किन होता है ना,
दैट इज मतलब मेलानिन अगर ज़्यादा सिक्रेट होता है तो हमारा स्किन डार्क हो जाता है, कम सिक्रेट होता है तो फेयर हो जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं, अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, एन एग लेइंग मैमल्स इज, एक अंडा देने वाला स्तनपाई कौन सा है? डेल्फिनस, मैकेग, मोनोट्रीम्स या फिर मैक्रोलस। बताया था ये सवाल आप लोगों को, लिखाया था जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, थ्योरी में आपको ये पॉइंट बकायदा नोट करवाया गया था, है ना। स्नेक की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, प्रीति शर्मा जी, ऑफियोलॉजी या उसे ऑफिडियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। जब हम बात करते हैं इस सवाल की, जो एग लेइंग मैमल है, हाँ बिल्कुल इंदु पुनिया जी, इस सवाल की जब बात करते हैं तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज मोनोट्रीन। मोनोट्रीन इज द राइट आंसर, यही एक एग लेइंग मैमल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न है, द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इजी सवाल, आसान प्रश्न है, उत्तर दीजिए इसका। मैमलिया में, एप्स में, पॉपटेलिया में, स्पॉन्जेस में, किस में ऐसा होता है आपको ये बताना है कि उनका जो बोन लॉन्ग, उनके अंदर लॉन्ग बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं और एयर के द्वारा क्या होते हैं, एयर पैसेज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल श्रुति जी, बहुत अच्छे। विनय, मौर्य जी, प्रदीप जी, इसका सही उत्तर क्या है? एप्स इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? एप्स। अगला सवाल, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, इसमें से कौन सा एक फ्लाइटलेस बर्ड है यानी कि ऐसा बर्ड जो उड़ नहीं सकता, है ना। हाँ बिल्कुल, साइफोन होता है उसमें। बहुत अच्छे, बिल्कुल अंकिता जी, उनके बोन्स हॉलो होते हैं, सो दे कैन फ्लाई। एंड फ्लाइट बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रिच, एमू, केवी, दीज ऑल आर फ्लाइटलेस बर्ड, यानी सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, फोर चैम्बर्ड हर्ट इज नॉट फाउंड इन, कहा जा रहा है इसमें कि इनमें से किस में चार हृदय वाला, मतलब चार कोष्ठक वाला हृदय नहीं मिलता है, किस में, यह आपसे पूछा जा रहा है, मैमल्स में, क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में या स्नैक में। उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, सेशन को इसी तरह आप लोग शेयर करिए, बहुत अच्छे। समीक्षा जी, अंजलि जी, ज्योति जी, इंस्पायरिंग रक्षा जी, दिव्या जी, श्रुति मिश्रा जी, अच्छा। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर के हर्ट होते हैं बताइए आप लोग, मतलब कैसे काम चलेगा ऐसे? क्रोकोडाइल में तो बंदर और मगरमच्छ वाली स्टोरी नहीं पढ़ी आपने? हाँ अच्छा, सही से बताओ, किसने बंदर और मगरमच्छ वाली स्टोरी पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी है वही यहाँ पर गलत कर रहा है। क्रोकोडाइल में तो फोर चैम्बर हर्ट होता है ना, मैमल में भी फोर होता है, बर्ड में भी फोर होता है, बट स्नैक तो है, ये रैप्टेरिया के अंदर आता है, रैप्टाइल्स हैं ये, और इसमें कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? थ्री चैम्बर हर्ट होते हैं, है ना। तो सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन थ्री इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, खैर हमारा प्रश्न है आपसे कि सांप के शरीर में दोस्तों क्या नहीं होता, सांप में कौन सा ऑर्गन नहीं होता है बताइए। अच्छा अर्जुन जी बता रहे हैं बर्ड्स होगा, नहीं अर्जुन जी, बर्ड्स में भी चार चैम्बर के हर्ट होते हैं, है ना। हाँ, सांप में क्या नहीं होता है, याद रखिएगा, सांप में कान नहीं होता, ठीक है ना। तो सवाल उठता है, सांप के आगे जब बीन बजाता है सपेड़ा, है ना, तो वो कैसे उस पर ऐसे ऐसे कैसे करता है? वो देखा होगा ना आपने, जब सपेड़ा बीन बजाता है तो वो सांप ऐसे 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 करता है, तो वो कैसे जब उसका कान होता ही नहीं है, तो बताइए। हाँ वो कैसे, जो उसके वाइब्रेशन से, जो वहां बीन जो बजता है ना, तो वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड के वाइब्रेशन के उस पर वो क्या करता है, वाइब्रेशन पर क्या करता है, रिएक्ट करता है, ऐसे ऐसे इस चीज को आप याद रखिएगा, कंपन पर। बहुत बढ़िया, और ईयर की स्टडी को हम लोग ऑटोलॉजी कहते हैं, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
वेरी गुड। हाँ अच्छा हाँ वो तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, द स्केललेस वर्टिब्रेट इज, इसमें से कौन सा एक स्केललेस, यानी कि किसके स्किन पर स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है, धारियां जिसे बोलते हैं ना, किनके स्किन पर नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्नैक, रोहू, सार्क या रैट। इजी क्वेश्चन है, सभी जानवर को आपने देखा ही हो। हाँ बहुत अच्छे, BMS ठाकुर जी, संगीता जी, आरती जी, पूजा जी, श्रुति मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। चूहा है ना, चूहा इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसी चूहे से दोस्तों एक बीमारी फैलती है, प्लेग, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है पॉस्चुरेला पेस्टिस, है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला प्रश्न, वर्टिब्रेट है वेंट्रल मस्कुलर हर्ड विथ डैश जंबो। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी जंतु जो होते हैं, उनका उदर उदर जो होता है वो वेंट्रल हर्ड होता है, वो कितने चैम्बर के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। दो चैम्बर के होते हैं, तीन चैम्बर के होते हैं, चार चैम्बर के होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, इसका आपको उत्तर देना है। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर काफी बच्चे फोर चैम्बर बता रहे हैं, बट याद रखिएगा दोस्तों, वर्टिब्रल में, वर्टिब्रेट में ही आते हैं फिश, आते हैं ना, इसी के अंदर आते हैं रेप्टाइल्स, आते हैं ना। फिश में कितने चैम्बर, दो, रेप्टाइल्स में तीन, और मैमल्स कितने चैम्बर, चार। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, दो तीन चार, यानी हाँ या नहीं बताओ, ऑल ऑफ द अबव होगा ना। सेशन को सभी लोग लाइक भी करो, सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करो, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, ब्लड सकिंग एनिमल इज, यानी कि इसमें से कौन सा खून चूसने वाला जानवर है ना, ये आपको बताना है। नेरिस है, अर्थवॉर्म है, ANB या लीच जॉन्ग। बिल्कुल नमिता जी, बहुत अच्छे। हाँ साबिया जी पढ़ा दिया है, आप पिछले लेक्चर्स में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, लीच है जोंक इसका सही उत्तर, और लीच भी सांस कहाँ से लेते हैं, दे ऑल्सो रिस्पायर थ्रू स्किन, ये भी स्किन से सांस लेते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल, इंसेक्ट्स हैव हाउ मैनी पेयर ऑफ लेग्स, कीटों के कितने जोड़े पैर होते हैं, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे श्रुति जी, संगीता जी, सुधा, सागर जी, नवीन वर्मा जी, शेफाली जी, राम कुमार सोलंकी जी, इंदु पुनिया जी। यहाँ पर कुछ बच्चे छह वाले भी हैं, कुछ बच्चे तीन वाले भी हैं, तो छह वाले थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़िए। यहाँ पर आपसे पेयर पूछा जा रहा है ना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग। अगर आपसे हाउ मेनी नंबर ऑफ लेग्स होता ना, तो फिर आपका जवाब एब्सोल्युटली सिक्स होता, बट दे आस्क हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग, तो आपका उत्तर हो जाएगा थ्री पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी। अब हम लोग मिलेंगे फिर से कब, कल कितने बजे, एट 3 PM ऑन हेलो टीचर्स यूट्यूब चैनल, एंड कल रात में भी मिलेंगे 9 बजे हम लोग, कल रात में भी 9 बजे मिलेंगे हम लोग, जो इसके आगे की थ्योरी और सवालों के साथ। लेकिन कल रात में हम लोग एल्गी और फांगाई से रिलेटेड MCQ देखने वाले हैं, तो आप लोग, हाँ इसलिए इनका इनका छह पैर होता है, इसलिए ना हेक्सापोडा, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है पता है, आप लोगों ने सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। हेलो टीचर्स टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस के लिंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए, एंड यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए तो
सॉरी ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से कल 3 बजे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कम से कम घर से बाहर जाइए, है ना, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ठीक है, सरकार के भरोसे नहीं रहना है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर से कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू एवरीवन।